वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की बात करें और आपके सामने यूएस मार्केट की सूरत हाल रखते हैं। यूएस मार्केट का जो इंडेक्स है डॉ 22,092.81 पर रहा और इसमें 66.71 का आपने पॉजिटिव चेंज देखा। साथ में S&P 500 2,476.83 पे रहा और इसमें 4.67 का चेंज हमने देखा, जो कि मुस्बत है, पॉजिटिव है। इसके बाद नैसडैक की बात करें, नैसडैक जो है 6,351 पे रहा और इसमें 11.22 का चेंज आया, जो कि पॉजिटिव है। ग्लोबल डो जो है 2,876 पर रहा और इसमें 6.50 का चेंज आया, जो कि पॉजिटिव है। ये तो हमने इंडेक्स की बात कर ली मार्केट की ट्रेडिंग के हवाले से। अब बात करेंगे कमोडिटी की, तो गोल्ड जो है 1,264.30 पर रहा और इसमें 0.30 का रेट जो कि नेगेटिव ऑब्जर्व हुआ। ऑयल की बात करें, डॉलर 49.49 पर बैरल पर है, जिसमें 0.09 का आपने रेट देखा, जो कि नेगेटिव है। ऑयल जो है इसी रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, 47 टू 50 के दरमियान। 50 एक दफ़ा हुआ पिछले हफ्ते, देन वी हैव टू सी द रिटेन नंबर्स, दैट इज़ 48 और 49। वेल, इसके बाद बात करेंगे यूरोपियन मार्केट की। यूरोपियन मार्केट FTSE 100 आपका 7,055 पे रहा, जिसमें 36.94 का आपने पॉजिटिव चेंज देखा। डेक्स का जो है 12,297 पर रहा, इसमें 143 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज आया। CAC 40 5,203.44 पे रहा और 72.95 का इसमें रेट, जो कि पॉजिटिव है। FTSE MIB जो है 21,935.79 पर रहा, 142 इसका रेट, जो कि पॉजिटिव है। IBEX 35 10,658 पे रहा और 109.30 रेट इसका पॉजिटिव है। एज फार एज कंसर्न यूरोपियन मार्केट, तो सारी जो यूरोपियन मार्केट के इंडेक्स हैं वो मुस्बत हैं और US मार्केट भी आपकी पॉजिटिव रही, लेकिन कमोडिटी में आपने थोड़ा सा नेगेटिव चेंज देखा गोल्ड और ऑयल को लेकर। आगे बढ़ते हैं एशियन मार्केट की बात करेंगे। एशियन मार्केट में एशिया डॉ आपका 3,533.5 पे रहा, जिसमें 22.42 का आपने पॉजिटिव चेंज देखा। नेगेटिव 25 आपका 20,075.21 पर रहा और 122.88 का आपने जो है पॉजिटिव चेंज देखा। हैंगसेंग इंडेक्स 27,647.37 पर रहा और 84.69 इसमें हमने पॉजिटिव चेंज देखा। शंघाई यानी कि चाइना 3,256.68 पे रहा और 5.40 रेट इसका नेगेटिव रहा। सेंसेक्स जो है इंडिया 32,371.90 पे रहा और 46.49 इसका रेट, जो कि पॉजिटिव रहा। सिंगापुर के मार्केट की बात करें, तो सिंगापुर का इंडेक्स जो है 3,319.91 पर रहा और 6.61 इसका रेट, जो कि नेगेटिव रहा। एशियन मार्केट में सब पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव मार्केट रही सिवाय शंघाई के, यानी कि चाइना और सिंगापुर के इंडेक्स के, कि इनके दो जो मार्केट्स हैं वो नेगेटिव रही। बैक टू द हसनी साहब, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं जो मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं, चाहे वो US की मार्केट हो, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो, चाहे वो एशिया की मार्केट हो, प्लस उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसका क्या निचोड़ आ रहा है आपके पाकिस्तान की मार्केट पर, क्योंकि इंटरनेशनल की जो मार्केट में कमोडिटी की स्पेशली मूवमेंट हो रही होती है, उसका इम्पैक्ट आपके लोकल मार्केट यानी कि आपके पाकिस्तान के स्टेट पर आ रहा होता है। हसनी साहब, क्या प्रेडिक्शन करेंगे? US से हम गुफ्तगु का आगाज़ करते हैं, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में? देखें, स्टेट्स की मार्केट जो है ना, वो तो चूँकि इस वक्त जुलाई का महीना ख़त्म हुआ है, अगस्त में आया तो अर्निंग सीज़न शुरू हो गई है और वहाँ पर उसकी वजह से पॉजिटिव साइंस हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफ़ी बेहतरी आई है, सेल्स में इम्प्रूवमेंट आई है। रिटेल सेक्टर पिछले दिनों थोड़ा सा प्रेशर में था, उसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं। और ऑटो सेक्टर ने बड़ा सरप्राइज़ किया है, वो भी बेहतर हुआ है वहाँ पर। और जैसे अभी पिछले हफ्ते हम खबर सुन रहे थे कि हम गाड़ियों की सेल काफी बढ़ी। जॉब डेटा आया USA का, उसके नंबर्स खासा बेहतर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो डॉ इंडेक्स है उसके बढ़ने की वजह है कि 8 स्ट्रेट रिकॉर्ड क्लोज आफ्टर मच स्ट्रॉन्गर दैन एक्सपेक्टेड जॉब रिपोर्ट, जो जॉब रिपोर्ट USA की जारी हुई है। जॉब रिपोर्ट जो US की है उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा आया है, लेकिन हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें टेम्प्रेरी स्टाफ और परमानेंट स्टाफ का जो सेक्टर है वो देखना पड़ेगा। इसमें ज़ाहिर है
US میں اس وقت سمر ہے اور ویکیشنز ہیں, تو ٹیمپرری اسٹافس کی وجہ سے کافی ہائرنگ ہوتی ہے اس سیزن میں جی, اور اسی کی وجہ سے وہ کافی اسٹرانگ رپورٹ آئی ہے اور اس سے کافی پازیٹیو امپیکٹ. اچھا, ڈالر نے جو انڈیکس ہے اس نے بھی جمپ اپ کیا ہے بیکاز آف جاب رپورٹ. کتنا اچھا موومنٹ ہے, دیکھیں یہ کنٹری کا آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں, باقاعدہ گورنمنٹ اسٹیک سے اور پرائیویٹ اسٹیک سے ایک جاب کا رپورٹ کلیکٹ کر کے سروے کر کر جو ہے پبلش کیا جاتا ہے, اور ان کے نمبرس اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کے پاس اویئرنیس ہے. وہ فوراً کوشچن ریز کرتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں سے جو ہے پریویل کرتے ہوئے موو کرتے ہوئے آ رہی ہے. سر ہمارے یہاں کیوں ایسے میجرس نہیں لیے جاتے ہیں؟ ہم بڑے امپریسڈ ہوتے ہیں جو امریکہ میں چیزیں ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کینیڈا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, یورپ کے مارکیٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے اس پہ بات کی تھی, ہم نے اپنے انفراسٹرکچر پہ کام ہی نہیں کیا ہے. وہ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ وہ ہمیں ریلائبل اور ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا دے سکے, اور وہ بھی انسٹنٹلی دے سکے کہ منتھ ختم ہو اور آپ کی 2-4-5 دن کے اندر آپ کے پاس پچھلے مہینے یا کوارٹر کی رپورٹس آ جائیں, جس کے اوپر ڈیسیشن میکنگ ہو سکے اور بہتر فیصلے کیے جا سکے. ہمیں اس کے لیے بھی مہینے اور میں انتظار کرنا پڑتا ہے. تو انفراسٹرکچر پہ ہم نے کام نہیں کیا. پھر انفراسٹرکچر میں آپ نے کافی کمپرومائزز کیے ہوئے, نمبرز جو ہے نا ان میں آپ نے فوجری اور وہ کی ہوتی ہے, نمبرز بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے پاس ریلائبل ڈیٹا نہیں ہے. یو ایس اور ویسٹرن کلچر میں یا جتنی دنیا کی بڑی اکنامیز ہیں ان کا سارے ڈیسیشن میکنگ جو ہے ٹرانسپیرنٹ. ارننگ بھی بہت اچھی آ رہی ہے کارپوریٹ کی جو ہم دیکھ رہے ہیں یو ایس اے کی. اگر بات کریں یورپین مارکیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں سر, یورپین مارکیٹ کے بارے میں بھی یہ رپورٹ کیا گیا کہ دیکھیں ہاؤ دا ریلیشن شپ کمس اپ. یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے آپ کے انڈیکس سپورٹیو رہے بیکاز آف جاب ڈیٹا, یورپین مارکیٹ کو بھی تھوڑا سا سپورٹ ملا, اس کی ارننگ بھی اچھی ہوئی. تو ہاؤ دا کمبینیشن از گوئنگ آن بٹوین دا ٹو ڈفرنٹ اسٹیٹس؟ دیکھیں دونوں کافی حد تک سملر فوٹیج پہ کام کرتے ہیں. امریکہ اور یورپ کے جو اسٹاک مارکیٹس اور اکنامیز ہیں وہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتی ہیں. امریکہ میں امپرومنٹ آتی ہے, اسی کا امپیکٹ یورپ میں آتا ہے اور یورپ جو ہے اس کو سپلیمنٹ کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے جاب ڈیٹا اچھا آ رہا ہے یا ارننگز بہتر آ رہی ہیں یو ایس میں, تو ان کا امپیکٹ جو ہے وہ یورپین مارکیٹس پہ بھی آئے گا ظاہر ہے. کافی سر آئل کے نمبرز نگیٹو رہے تھوڑے سے نا, 50 سے جمپ اپ اور پھر جمپ ڈاؤن ہوا -30. آج منڈے سے آغاز ہم دیکھیں 49.49 پر بیرل پر ہے. آئل کی موومنٹ کیا لگتی ہے؟ اوپیک کی بھی میٹنگ گزشتہ ہفتے رہی, اس میں بھی رشیا کا الگ اسٹیٹمنٹ آیا. رشیا اس بڑی ڈرامیٹائز اسٹیٹمنٹ دیتا ہے سر. دیکھیں آئل جو ہے اس کا کافی ولیٹیلیٹی ہے آئل میں, لیکن جو رینج ہے وہ میرے حساب سے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرے حساب سے وہ 45-50 ± چل رہا ہے. کبھی کبھی ایک ایونٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ 50 بھی کراس کر جاتا ہے اور 45 سے نیچے بھی آ جاتا ہے. کیونکہ آپ اگر دیکھیں نا آئل کی انوینٹری جو ایک اسٹاک اوور اسٹاکنگ ہوئی تھی پچھلے سالوں میں, وہ اب کافی ریلیز ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا کنزمپشن اس لیول پہ نہیں آ رہا ہے جو کہ 2014 اور 2013 میں ہوا کرتا تھا. جی ریگولرلی کم ہوتا جا رہا ہے آئل کا کنزمپشن. اسی لیے آپ دیکھیں اوپیک جب پروڈکشن کٹ کرتا ہے وہ ریوائز نہیں ہوتی, وہ کبھی اپورڈ واپس نہیں آتا. اگر وہ 300-400 میں نے جتنی بھی میٹنگس میں رپورٹس پڑھی اس کے برعکس ہی کام ہوتا ہوا دیکھا میں نے. یا جو اوپیک اگر کٹ کر رہا ہے 400-500 5 لاکھ بیرل کے کٹ کرتا ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ 3 مہینے کے بعد واپس 500,000 دوبارہ واپس آ جائے. اچھا حسین صاحب بیلکس بینک بڑی مزے کی بات کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے جی وی ایکسپیکٹ اے ڈاؤن پرائس کریکشن ڈیورنگ دا کاؤنٹر بٹ فور کاسٹ برینٹ از این ایوریج آف $54 پر بیرل ڈیورنگ دا فورتھ کوارٹر. تو ایک طرح کی ایکسپیرینس آف فور کاسٹ یہ کر رہے ہیں. برینٹ کروڈ پر میں آپ کی بات کروں گا, دے ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کروڈ آئل سے اور پھر یو ایس کے نمبر سے ڈفرینشیٹ آتا ہے. تو کیا بات ہے, شیل کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے مارکیٹ میں؟ نہیں, شیل کی ڈیمانڈ کم نہیں ہو رہی ہے, وہ تو بیسکلی سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے اپنا. شیل ٹیکنالوجی سے جو آئل آ رہا ہے نا وہ تو یو ایس کی مارکیٹ میں کافی اس نے کیپچر کیا ہے مارکیٹ کو, اور اسی وجہ سے اوپیک نے اپنی پرائس کو 2-3 سال پہلے کم کی تھی کہ وہ مارکیٹ لوز نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اصل چیز یہ ہے کہ شیل کی کمپنیز نے اپنی جو پر بیرل پروڈکشن کاسٹ ہے نا وہ کافی ریزنیبلی لو کر لی ہے. پہلے وہ $60-65 پر بیرل ہوا کرتی تھی, اب وہ تقریباً $35-40 پر بیرل تک آ گئی ہے. اس وجہ سے وہ کمپیٹ کر رہے ہیں مارکیٹ کو. اچھا پہلے اوپیک کی میٹنگ ہوئی, اس میں یہ کہا گیا واضح طور پر کہ جو اوپیک کی کنٹریز ہیں وہ لیڈ کنگ کر رہے ہیں کٹس آف 1.8 ملین بی پی ڈی.
जिस पर रशिया ने एक अलग स्टेटमेंट दिया कि हम अपनी प्रोडक्शन कट्स के बारे में सोचेंगे और थोड़ा सा क्रूड के नंबर्स को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जुलाई के जो एक्सपोर्ट्स रहे वो बढ़ गए और जो रिपोर्ट आई तो ऑयल ने थोड़ा सा जो है वो लोअर रहा। अगर क्वार्टर वन और टू की बात करें मार्केट में लोअर रहेगा, हालांकि ये ट्रैवलिंग सीज़न है पूरे वेस्ट में और बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ में इस बार ट्रैवलिंग सीज़न है, इस वक्त सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है, कंजम्पशन होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी उसने काफ़ी मार्केट सर रशिया ने बहुत प्रोड्यूस करके ऑयल के नंबर्स को इम्पैक्ट डाला है। रशिया थोड़ी सी अगर प्रोडक्शन कट्स करेगा तो सपोर्टिव रहेगा ओपेक के मेंबर्स के लिए प्रोड्यूसर नहीं, लेकिन रशिया अगर कट करेगा तो उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम डिस्टर्ब होंगी ना, वही ओपेक का नेशनल इंटरेस्ट है वो करे एग्जैक्टली, वही अपना कंट्री देखना है बेशक, और यही ओपेक का भी इशू है। ओपेक जैसे जैसे बरासर पाकिस्तान तो इन्जॉय कर रहा है ना, हम पाकिस्तान की बात करेंगे, अच्छा हम ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, अनफॉर्चुनेट नहीं हो रहे। गवर्नमेंट को चाहिए था सर हंगामी बुनियाद पर कुछ करते कि रिजर्व्स के नंबर्स बढ़ा लेते ऑयल को लेकर। 21 डेज़ का टर्नओवर मुझे लगता है कि बहुत महदूद है, एटलीस्ट इनके पास दो महीने होने चाहिए क्योंकि वी नेवर नो जियोपॉलिटिकल रिस्क कहाँ से इनहेंस हो जाए। आपको मैंने शुरू में कहा था ना कि हमारी यहाँ एडहॉकिज्म पे पॉलिसीज होती हैं, हमने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान नहीं किया कभी भी। नहीं वो ओग्रा की कुछ पॉलिसीज हैं उनकी भी नहीं है, वो भी ज़्यादा दो हफ्ते तीन हफ्ते का रिजर्व ही रखते हैं, कैपेसिटी नहीं हमारे पास, हमने कैपेसिटी भी बिल्ड नहीं की है, हमने उसकी प्लानिंग भी नहीं की है। देखें ये सब प्लानिंग का हिस्सा है, अगर आपके पास दो महीने के अगर आपने रिजर्व रखने हैं तो ऑब्वियसली आपने कैपेसिटी भी बिल्ड करनी होगी, आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी करने होंगे और आपने स्ट्रेटजिकली जो है ना अपने रिजर्व को बढ़ाना पड़ेगा। हमने सिर्फ अपने मुल्क में 20 से 25 दिन या 21 दिन का हमने सिर्फ रिजर्व रखते हैं जो कि ज़ाहिर है नाकाफ़ी है, और आप देखते हैं अक्सर ये होता है कि अगर आपने अगर ऑर्डर नहीं दिया PSO ने एक या दो उसको क्रूड ऑर्डर नहीं दिए और वक्त पे नहीं पहुंचे तो हमारे यहाँ शॉर्टेज हो जाती है। सही बात तो है। ये आपकी हमारी एडहॉकिज्म की वजह से प्रॉब्लम है, हमें मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे सोचना चाहिए। एशियन मार्केट की बात करते हैं सर, एशियन मार्केट के नंबर्स भी बेहतर रहे हमने देखा। अच्छा रिपोर्ट ये कह रही है जो रिकॉर्डर्स तमाम तर जगहों पर आई हैं, एशिया ट्रेडर्स हायर एज इन्वेस्टर अवेट PYONGYANG रिस्पॉन्स टू यूनाइटेड UN सैंक्शंस के बाद ये कर रहे हैं, तो UN सैंक्शन से मुतालिक क्या आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि एशियन मार्केट जो है सपोर्टिव रही? मैं सुबह देख रहा था ब्लूमबर्ग पे एशियन मार्केट के ऊपर उसका जो कमेंट था वो ये कि रिबाउंड किया है एशियन मार्केट ने, रिबाउंड किया है, और उसमें जो मेजर फैक्टर है वो ये कि आयरन और कोल के प्राइसेस बढ़ी हैं। जब यूनाइटेड नेशन का सैंक्शन लग गया नॉर्थ कोरिया पे, हालांकि नॉर्थ कोरिया का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है, और चाइना ने तकरीबन एक साल से उनसे बाइंग काफ़ी कोल के मामले में कम की हुई थी, लेकिन जाहिर है अब अगर चाइना को नॉर्थ कोरिया से कोल नहीं मिलेगा तो यकीनन दूसरे रिसोर्सेज देखेगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक जो हैं वो बड़े बिग प्लेयर हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के मार्केट काफ़ी इंप्रूव हुई है कोल के, ऑस्ट्रेलिया के फेडरल बजट ने भी मार्केट के नंबर्स को खासा बेहतर रखा था, और इसीलिए अच्छा दूसरी चीज़ चाइना की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, रीजनल जितनी एशियन मार्केट्स हैं उनमें जो दूसरा इम्पैक्ट आया है वो उनकी एक्सपोर्ट का आया है, बल्कि बाज़ एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि जो सर बहुत अच्छा इंप्रेशन पूरी ग्लोबल मार्केट में चाइनीज़ को लेके हो रहा है, द वे दे आर डूइंग वर्क इज़ मार्वलस सर, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड CPECs, ये तो इनके लिए बहुत छोटा सा यूनिट होगा, इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े अच्छा थोड़ा सा कंट्रोवर्शल भी बनाया गया चाइनीज़ मार्केट को लेकर, और प्लस उनके एक बैंक का भी इशू मैंने पढ़ा। व्हाट डू यू थिंक जैपनीज और चाइनीज़ किस तरह से जो है ग्लोबल मार्केट्स में अपने नंबर्स को बेहतर कर रहे हैं, और क्या आप अगर कंपेयर करें जापान टू चाइना क्या फ़र्क लगेगा? फिर मैं दोबारा उस बात कहता हूँ, उन्होंने 50 साल के प्लान बनाए हुए और उस पर अमल कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान ने हम 5 साल का प्लान जो है एग्जैक्टली एक्शन प्लान देखेंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाएँ, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, उन्होंने सिर्फ दो चीज़ें पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने कहा अपने जो ब्राइट टैलेंट था उसको उन्होंने पूरी दुनिया की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन के लिए भेजा, और वो लोग वापस आए और उन्होंने आज मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जापान दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जंग के बाद तबाह बर्बाद हो गया था, 5 साल 10 साल के अंदर जापान दोबारा दुनिया की ताकत बन गया, ठीक प्लान बनते हैं,
और वो कोई दो साल पाँच साल के लिए नहीं होते कि हमारी हुकूमत है तो हम पाँच साल के प्लान में, वो पचास साल के प्लान होते हैं और उस पर अमल करना पड़ता है और उसमें ओनरशिप लेना पड़ती है और उस प्लान की आप ठीक है माइनर एडजस्टमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अच्छा हसनी साहब, एक बड़ा बात डिस्कस की जा रही है, थोड़ा सा लोग चाइनीज़ और सी पैक को लेके हमारे पाकिस्तान मार्केट में तनकीद करते हैं। देखिए पाकिस्तान खत्ते में अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं नहीं और इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपके ऊपर लातादाद कर्ज़ा है IMF का और दूसरे आपका अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स से आपके किस हिसाब से आपके एक्सपोर्ट्स के नंबर और इंपोर्ट के नंबर को, एक्सपोर्ट तो नहीं इंपोर्ट के नंबर को आपको सपोर्ट कर रहा है। सपोर्टिव एलिमेंट और स्ट्रेटजिक पार्टनर्स चाइनीज़ से अच्छे कोई नहीं हो सकते, रिपोर्टिंग के मुताबिक ये बात की जा रही है। अगर आप चाइनीज़ के साथ हैंडशेक नहीं करते तो आपके पास जो ऑप्शंस थे वो आपके लिए फिर आपके जो है ऐसी कदखन आपको लगाते कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स किया कि आप मार्केट में यानी कि खत्ते में सर्वाइव नहीं कर पाते। एक पूरा आर्टिकल है ये इसके कुछ कंपोनेंट्स पे आप कितना अग्री और डिसअग्री करेंगे जो मैं आपसे आप कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि आपको हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। मैंने बिजनेस ऑप्शन चाइनीज के प्रति बात की, आप मेरी बात समझ गए। बिल्कुल, चाइना हमारा पड़ोसी है, हमारा नेबर है। बिल्कुल, और वो हमारा, मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी, चाइना ने हमें 70 साल से सपोर्ट किया है हर लिहाज से। तो जाहिर है चाइना के साथ हमारे रिलेशन जो है वो बिल्कुल बरादराना है और हमें उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए। जाहिर है ये जो वन रोड वन सिल्क रोड की जो कॉन्सेप्ट है उनका चाइना का, उसका एक हिस्सा है सी पैक, उस पर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको हमने इजाज़त दी है वो हमारे मुल्क से ट्रेड करें और हमें वो कंपनसेट करेंगे। क्या है इसमें, मुझे वो हमें कंपनसेट कर रहे हैं जिससे मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, हमारे लोगों के हालात बेहतर होंगे, हमारे मुल्क में बिजनेस आएगा। ये तो एक पॉजिटिव सोच है। ठीक है, दूसरी सोच जो नज़र आती है कभी कभी, वो नज़र आती है लोगों के अपने मकासद, जो चाहे वो इलाकाई हों चाहे कौमियती हों। कौन से लोगों के, पाकिस्तान के या चाइनीज़? नहीं नहीं, हमारे लोग भी हमारे लोग भी ऐसे हैं जो कि उस पर एतराज़ कर रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि इस तरीके से हमने तो अपने आप को चाइना के हवाले कर दिया है, ऐसी बात नहीं। सर उनसे फिर ये सवाल करें हसनी साहब कि आपकी ग्रोथ क्या है, आपकी डेवलपमेंट क्या है, आप क्या कर रहे हैं मार्केट में? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और बातें करने से मसले हल नहीं होते। True. आपको लोगों को रिजल्ट दिखाने, हम बातों पे जिंदा नहीं रह सकते, हमें रिजल्ट दिखाने होंगे। ठीक है, जब तक हम वो रिजल्ट नहीं दिखा सकते हमें तनकीद भी करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और सीपेक का ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि वो मुल्क की तकदीर बदल सकता है अगर हमने उसको सही तरीके से, उसका अंदाज़ा आपको इस बात से होना चाहिए जब प्रॉपर, मुझे याद है पिछले साल डेलीगेशन आ रहा था सीपैक का और उससे पिछले साल जब इसकी बुनियाद रखने की बात की जा रही थी और 2016 में बाकायदा जो है हमने इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखा, उससे पहले बलूचिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो गई सर। बेशक, धमाके, वकला कम्युनिटी आपका, ये इधर बाज़ारों में, मस्जिद में, इमाम बारगाहों में, हमारे पुलिस की कम्युनिटी पर अटैक किया गया, हमारे आर्मी के लोगों पर अटैक किया गया और हमारे रेंजर्स मतलब FC के लोग किसी को नहीं छोड़ा। तो आप देखें कि दुश्मन जो हमारे कंट्री के हैं वो नहीं चाह रहे थे कि इसकी बुनियाद रखी जाए। बिल्कुल, इतना वैल्यूएबल और बेनिफिशियल लगने जा रहा था उनको ये। देखिए किसी भी बिज़नेस को करने के लिए या किसी भी जगह पे बिजनेस करने के लिए आपको सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी ना। सिक्योरिटी जब तक आप इशू एड्रेस, हम बड़े खुश हुए जिस तरीके से हमारे आर्मी के लोगों ने वो चाइनीज़ का फर्स्ट डेलीगेशन आया सीपैक पे बाहिफाजत उनको वापस लेके गए, उनको वेलकम किया, हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है वो भी उनके हमरा थे। एक प्रॉपर एक अच्छा जेस्टर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिकल सर्वाइवल होने को जा रहा है। अभी हम चूँकि इब्तदाई दौर में हैं और हमें सिक्योरिटी के मसलों को एड्रेस कर रहे हैं तो हमें हर जगह बहुत कंट्रोल किया है। आप इस देखें, इस मुल्क में आने को कोई तैयार नहीं था लॉ एंड ऑर्डर के माशले से। ऐसा आप कराची आप देखें सर, आप यहाँ पर ब्रेथ इन ब्रेथ आउट कर सकते हैं बआसानी। बेशक, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो खैर काफ़ी अर्से बाद देख रहा हूँ यहाँ पर हालात काफ़ी बेहतर हुए हैं और लोग इत्मीनान से सो रहे हैं। हसनी साहब, जब आप कनाडा में थे तो हम पाकिस्तान में थे और ये सूरत हाल थी कि हम आगे रास्ते में अगर ट्रैफिक जैम होता था तो पूछते क्या हुआ जी आगे, जो है फला कोई हादसा हो गया या वहाँ पर स्ट्राइक हुई है, यहाँ पर ये हुआ हुआ है। अब माशाल्लाह आप देखें, आप ये रातों को लोग जो यहाँ पर घूम रहे होते हैं, अच्छा मैसेज है। अब हमें बेहतर करना है, अपनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना है क्योंकि आर्मी हमेशा नहीं दे सकती सिक्योरिटी, वो देनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। और चैलेंजेस हैं करने को उनके, आर्मी का काम जो है ना वक्ती तौर से तो काम करने का है, वो वक्ती तौर को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, 2 साल 5 साल 10 साल वो उनके ऊपर है, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल हुकूमत
इनको सबसे पहले ये टेकअप करना पड़ेगा। सिविलियन जो है जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते, क्यों हमें जो है उन लोगों के पास जाना पड़ता है अपने मसाइल? फिर मैंने आपसे एक सवाल किया था लॉन्ग टर्म, नहीं एक और सवाल भी किया था हमने बात की थी कि हमें ये देखना चाहिए, हम जिन लोगों को नुमाइंदा मुकर्रर कर रहे हैं उनसे हमें सवाल पूछना चाहिए कि आपने क्या डिलीवर किया। अगर आपने डिलीवर नहीं किया, फिर मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो चेंज हमने इस साल देखा ये बड़ा मुस्बत चेंज लगा कि अल्लाह करे इस चेंज में बाकायदा कंटिन्यूटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे। इसका फायदा गैप ना आए, अगर गैप आ गया ना तो मामला फिर गड़बड़। इसका एक फ़ायदा ये है कि आपने 22 करोड़ लोगों को उम्मीद दे दी। यस, जो इस वक्त इस फैसले से पहले या इस मामले से पहले जो मैंने एनालिसिस और रिपोर्टें पढ़ रहा था, किसी ने मुझे बताया कि कराची यूनिवर्सिटी में लड़कों से, नौजवान लड़कों से जब इंटरव्यू किया तो उनकी 45-50% तादाद ये कहती थी कि मैं हम इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी तादाद थी। साहब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट यहाँ से मूव कर गया क्योंकि बाहर से उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई। एनईडी के, चले मैं तो प्राइवेट के नंबर्स नहीं बता रहा, एनईडी तो आपकी हमारी खुद गवर्नमेंट स्टेट है ना, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में आती है। एनईडी में इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स हैं आपके, बेशक, और सारी क्रीम कराची की, उनकी परसेंटेज और बैकग्राउंड उठा क्योंकि वहाँ पे मेरिट पे अपॉइंटमेंट होता है। बेशक, आपकी अगर परसेंटेज बहुत कम होगी तो आप भले आप जो है किसी के भी बेटे क्यों ना हो तो आपको दे दूँ अपॉइंट। इस फैसले ने, मैंने आपसे उस वक्त कहा था, इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है अगर हमने इस फैसले को सही तरीके से अमल किया। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है ना इस फैसले के बाद, वो ये कि एक उम्मीद जागी है जो ख़त्म हो गई थी इस माशरे से, नहीं जो उस इदारे से ख़त्म हो गई थी। वो इदारा ख़ुद अपनी, जैसे एक हमारे एक हैं तजिया निगार, वो अक्सर बात करते हैं कि ये इदारे जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद अपने आप को सही करना शुरू करेंगे, और ये जब ये सही शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर होने होंगी। बस सिर्फ ये कि इसका पेस ज़रा तेज़ होना चाहिए। बहुत बेहतर आपने बात की मुस्लिम हसनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव वायर के लिए, आपने सुबह सवेरे वक्त दिया और आपने देखा कि आगाज़ हम जो है अच्छा, हमने मुस्बत बातें की, कुछ हमने डिफरेंट बात भी की, कुछ तबसरा तजिया भी किया, ये सुबह हम करते हैं। लेकिन देखें स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा बेहतर हुई है आज सुबह से, नंबर थोड़े से स्टॉक मार्केट के थोड़े से मिला जुला रुझान, जो हम एक रवायती जुमला बोलते हैं वो है, ये भी एक खूबसूरती है, ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की। लेकिन बहरहाल मार्केट सस्टेनेबल है और फेवरेबल है तमाम तर लोगों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए, और स्टॉक मार्केट में जो भी अपडेट्स आएगी वो आपको देंगे। और एक ब्रेक के बाद आपको तारिक खान जावेद ज्वाइन करेंगे जो आपको टिप्स देंगे और कमोडिटीज़ की भी बात आपसे करेंगे। लाइव वायर के साथ रहिए।